नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सियासी गतिविधियां बेहद तेज हैं। लगातार बैठकों का दौर तो चल ही रहा है, इसके साथ ही सियासी कयासों का दौर भी लगातार चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। कल देर रात मुख्यमंत्री शिंदे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शामिल थे। खबर यह भी है कि अलग से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच आधे घंटे बैठक हुई। 27 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। हो सकता है कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो। वहीं दिल्ली में आज महाराष्ट्र बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। नवनियुक्त प्रभारी भूपेंद्र यादव भी बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री पद से मुक्त करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। और इसी सारे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक उकड़े जुड़ गए हैं मुंबई से। रौनक, ये जो सारी गतिविधियां चल रही हैं, सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है महाराष्ट्र में, क्या ये किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही है कि जल्दी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? जी देखिए अखिलेश जी, मुख्य तौर पर जिस तरह का मन देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव नतीजों के बाद बनाया था और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी उन्हें सरकार में न रहते हुए संगठन की जो है बड़ी जिम्मेदारी में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम जो है वो चल रहा था, लिहाजा उस वक्त तो ये मामला अमित शाह ने टाल दिया था। लेकिन आज जब दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो हमें जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अपनी भूमिका पर भी बने हुए हैं। हालांकि फैसला अब उनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको करना है कि देवेंद्र फडणवीस का सरकार में बने रहेंगे या फिर उनको लेकर कोई नया फैसला जो है वो लिया जाता है। जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अगर उनके फैसले पर केंद्रीय नेतृत्व मानता है तो वो अपनी जगह उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी गिरीश महाजन को देना चाहते हैं, जबकि जो हमें सूत्र बता रहे कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष है आशीष शेलार, चूंकि मराठा समाज आते हैं और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मराठा समाज एक तरफ कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियों पर नाराज दिख रहा है और उस तरह का परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, खास तौर से उस मराठवाड़ा के इलाके में जहां पर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन पिछले कई दिनों से चल रहा था। 8 में से केवल एक सीट जो है वो महायुति गठबंधन जीत पाई है और वो भी शिंदे की शिवसेना सीट जीती है। बाकी बीजेपी के कई बड़े नेता जो इस इलाके में इस चुनाव में लंबे मार्जिन से हारे, जिसमें राव साहेब दानवे जो कि अच्छे कद्दावर माने जाते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके, तो बीजेपी नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार कर रही है। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में न केवल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार होगा, बल्कि पिछले कई महीनों से जो महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार का मामला लटका हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज ग्रीन सिग्नल बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है। और अगर ये ग्रीन सिग्नल मिलता है तो कई बड़े नेताओं का जो अभी सरकार में मंत्री है, ऐसे का पत्ता कट के नए लोगों को जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। पूरी तरीके से ये कैबिनेट रीशफल भी जो है वो हो सकता है, तो कुछ चौंकाने वाले फैसले आज इस बैठक में सामने निकल कर आ सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी शुक्रिया आपका रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के बाद अब रुख कर लेते हैं कांग्रेस के खेमे का। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा कि जब तक सीटों का बंटवारा ना हो तब तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं होना चाहिए। हालांकि लोकसभा में ऐसा हुआ था। नाना, आपके दिमाग में कोई आंकड़ा है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिलनी ही चाहिए? जो आपने मेरिट की बात की, तो अगर मेरिट की बात करें तो लोकसभा में तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का ही रहा है यहाँ पर। देखो, महाराष्ट्र का जो सिनेरियो जो है उसमें विदर्भा ये कांग्रेस माइंडेड रहे, हमेशा रहा है। जब भी कांग्रेस के ऊपर मुसीबत आती तो विदर्भा की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ लोग रहे। मराठवाड़ा का आपने पिक्चर देखा होगा कि मराठवाड़ा में 100% सीटें कांग्रेस की चुन के आई है। उत्तर महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में भी है, सिर्फ कोंकण में हम लोग थोड़ा वीक है, लेकिन अब कार्यकर्ता वहाँ पर ताकत के साथ सामने आ रहा है। और इसलिए आज मैं सीटें कितने हम लेंगे क्या नहीं लेंगे ये स्थिति पे मैं आज डिस्कशन करने से, जब हमारी महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होगी
उस पर हम लोग हमारे पूरे हर विधानसभा के आधार पर हमारा मेरिट कैसा बनता है और सीटें हम कैसे जीत सकते हैं। नाना जी, ये लगातार खबरें आती रही हैं लोकसभा चुनाव के पहले भी, जब सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही थी तब भी, और उसके बाद में भी, कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अनबन चल रही है। विशेष करके अगर आपकी बात करें तो आपका भी बीच में बयान आया था कि जब ये विधान परिषद को लेकर बात करनी थी तो उद्धव ठाकरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसके पहले सांगली की सीट को लेकर जो है वो मनमुटाव हुआ, शिवसेना ने बिना आपसे सलाह लिए अपने उम्मीदवार को वहाँ पर ऐलान कर दिया उनका। तो आपके और शिवसेना के बीच के रिश्ते कैसे हैं, और जो भी जैसे भी रिश्ते हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, हमारा इनसे पहले बार अलायंस हो रहा है, सीट बंटवारे की बात भी पहली बार हो रही है, तो हमें इनका स्वभाव तो परिचित नहीं थे हम लोग कि ये पहले ही अलायंस के पहले ही अपनी सीटें डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अब असेंबली में जो उन लोगों ने अच्छा किया कि गलत किया उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन अलायंस का धर्म है कि जब तक सीटें बंटवारा ना हो, जब तक हम लोग डिस्कशन ना करो, तब से सीट डिक्लेयर नहीं करना, ये अलायंस का धर्म है। हम चाहते कि असेंबली में भी इसी तरह हो, नहीं तो बिफोर कर ले तो वो जो सांगली का उल्लेख आपने किया तो उसके परिणाम क्या हुए हम सब लोगों ने देखा। हम उसमें एक ही बात मानते कि उसके बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ, और बहुत ही शालीनता से और ये सब इशू को हमने सवाल करना चाहिए कि आखिरी सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और सभी को अपने अपने कार्यकर्ता को संभालना होता है, आखिरी का पक्ष पार्टी की ताकत ही पक्ष का कार्यकर्ता होता है, और हम चाहते कि सब लोग मिलकर आगे की लड़ाई लड़े। अगर चुनाव नतीजों में महाविकास आघाड़ी जीत कर आती है, अक्टूबर तक चुनाव होने की उम्मीद है, तो महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखो, ये कांग्रेस पार्टी में हमारा हाईकमांड डिसाइड करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है। अब हमारे अलायंस दोनों जो है वो खुद ही हाईकमांड है यहाँ पर, तो उनका डिसीजन वो ले सकते हैं, हमारा डिसीजन हमारा हाईकमांड लेगा। लेकिन क्या आप खुद कंटेंडर रहेंगे? नहीं नहीं, मुझे मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही आपके सवाल का जवाब दिया कि हमारा डिसीजन दिल्ली से हमारा हाईकमांड करेगा, किसको सीएम बनाना है, किसको क्या करना है, किसको मंत्री बनाना, यह हमारा हाईकमांड करेगा। वहीं एनडीटीवी मराठी के न्यूज एडिटर राहुल कुलकर्णी ने रोहित पवार से खास बातचीत की। रोहित पवार ने कहा है कि उन्हें पार्टी का महासचिव बनाना चाहिए, पहली बार रोहित पवार ने इस तरह की मांग सामने रखी है। वहीं उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी को लेकर कई दावे भी किए, आइए सुन लेते हैं। तो आपने एक सजेस्ट किया है कि आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए ताकि पक्ष संगठन जो है और मजबूत हो जाए। अभी कैसे हुआ था कि जब नगर में, अहिल्या नगर में हमारी सभा थी, उस सभा में बात करते वक्त मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी कि जो पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद पाटिल साहब जब बात किए थे, उनका जो ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा, वो एक्चुअली मेरे ट्वीट के बारे में नहीं, किसी और के, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहां पे बन गया था। मैं 7 साल अनुभव है मेरा राजनीति का, वैसे वो बहुत कम है, वो जो पद है वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति चाहिए। जब पार्टी फूटी थी तब जयंत पाटिल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया था, महाविकास आघाड़ी के वक्त भी उन्होंने अच्छा काम किया था, तो उनका अनुभव उस क्षेत्र में अच्छा है। लेकिन अगर पार्टी चाहती है तो कोई आगे जाके एकाध पद वो सोचे, तो जनरली जनरल सेक्रेटरी, फ्रंटल, ऐसा कुछ होगा तो चल जाएगा। जनरल सेक्रेटरी क्यों? ऐसे जनरली मैंने बात करते वक्त बोल दिया था, और फिर उसके बाद लोगों ने फिर वो न्यूज चलाई और कुछ नहीं हुआ। विपक्ष के कुछ ऐसे नेता थे कि जो रात को बीजेपी के नेताओं से मिलते थे, और बीजेपी कोई भी लेवल तक गई है हम सब ने देखा है, और कोई प्रूफ भी हमारे है, अभी कोई कौन से पार्टी के वो आज मैं नहीं बता सकता। आप नहीं कहेंगे कि एनसीपी के थे, शिवसेना के थे, उद्धव ठाकरे गुट के, कांग्रेस के थे? पक्ष का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। अभी दूसरी बात, जब लोगों ने ही ये पैसा, ये जो नेता मैनेज होने वाले लोग हैं, ये सबको अगर नकारा है तो ये विषय, लेकिन उसके सबूत है आपके पास, जब समय आएगा वो आप राइट टाइम पे वो सबूत हम इस्तेमाल करेंगे। अजीत पवार साहब का पॉलिटिक्स किस तरफ जा रहा है, क्या होगा? आरएसएस कुछ बातें कह रही है उनके खिलाफ? कुछ नहीं, मुझे मेरा यही कहना है कि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो यूज एंड थ्रो है, यूज करो फेंक दो। अभी मध्य प्रदेश में अगर आप देखो, सिंधिया जी जो है उनको पहले कैबिनेट में बहुत अच्छा पद दिया था,
फिर उसके बाद अभी अगर आप देखो तो साइड का कोई पद दिया है एज कम्पेयर्ड, तो अजीत दादा का क्या हो रहा है? अभी लोकसभा हुआ, फायदा नहीं हुआ, अभी नुकसान हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो अभी धीरे धीरे उनकी ताकत कम की जाएगी, आगे जाके शायद उनको महायुति से बाहर भी निकाला जाएगा, या कोर्ट ने अगर उनके खिलाफ निर्णय दे दिया तो अजीत दादा और उनके बहुत गिने चुने लोगों को बीजेपी के सिंबल पे वहां पे लड़ना पड़ेगा। तो ये बीजेपी जो है वो यूज एंड थ्रो करने वाली पार्टी है। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन का सुझाव ठीक है? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब। केंद्र में सरकार बनने के बाद अब जल्दी ही 11 राज्यों में राज्यपाल का पद खाली होने जा रहा है। पंजाब में राज्यपाल इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह 12 राज्यों में जल्दी ही नए राज्यपालों की नियुक्ति संभव है। इसी सुगबुगाहट के बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र PM नरेंद्र मोदी से मिले। कई राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। 29 जुलाई को इनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल, इनका कार्यकाल 7 सितंबर तक है। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं, इनका कार्यकाल 22 जुलाई तक। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल, कार्यकाल 6 सितंबर तक है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, 29 जुलाई 2019 को बनाए गए थे, तब से त्रिपुरा झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बिश्वभूषण हरिचंदन 24 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। PS श्रीधरन पिल्लई 5 नवंबर 2019 को मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे, अभी गोवा के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 को हिमाचल के राज्यपाल बने, अभी हरियाणा के राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके 29 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी, अभी मणिपुर की राज्यपाल हैं। फागू चौहान 29 जुलाई 2019 को बिहार के राज्यपाल बनाए गए, अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। RN रवि 1 अगस्त 2019 को नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए थे, फिलहाल तमिलनाडु का राज्यपाल है। अगले 2 से 3 महीनों में इन सभी राज्यपालों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, लेकिन अपने पद से इस साल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। आपको यही बता दें कि कई वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं जिन्हें चुनाव या तो नहीं लड़ाया गया या उनमें से कई चुनाव हार गए। अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस बार टिकट नहीं मिला था। VK सिंह, इन्हें भी टिकट नहीं मिला। डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये सभी नेता राज्यपाल बनने की दौड़ में शामिल हैं। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन का सुझाव ठीक है? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब।